लिखो विश्व धरोहर स्थल हिंदी वाले। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन रिकॉग्नाइज करता है? यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। पेरिस कौन से देश की राजधानी? फ्रांस। ठीक है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म बताओ। ओके, यूनाइटेड नेशन सबको पता होता है, यूएन। उसके बाद असली कहानी होती है यूनाइटेड नेशन। लिख लो इसका फुल फॉर्म यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगली लाइन लिखो, देयर आर 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। भारत में आपको याद है, भारत में 35 विश्व धरोहर स्थल हैं। देयर आर 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अगले लिखो, कुतुब मीनार दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं, कुतुब मीनार। अब रिपीट मत करो, रिपीट करोगे तो तोते की तरह लगोगे। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली, अगला लिखिए रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली। शांत हो जाइए, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। रेड फोर्ट दिल्ली। देखो यार, अब ये जोक्स पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना, ये जोक्स पुराने हो चुके हैं। अभी यहाँ पे पढ़ने का टाइम है, यहाँ फोकस करो सामने। हुमायूं टॉम लिखो, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में तीन है, तीनों लिखवा चुका हूं। अगला लिखिए यूपी में हुमायूं का मकबरा। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट यूपी, आगरे का किला। पांचवा लिखिए ताजमहल। यूपी नेक्स्ट लिखिए फतेहपुर सीकरी यूपी। सिक्स पे है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट लिखिए जंतर मंतर, जंतर मंतर। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट लाल किला, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, आगरे का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। क्या या बुलंद दरवाजा सुना है? तो ये फतेहपुर सीकरी जो पूरी सिटी है और उसमें अकबर ने बनवाया है जो, ठीक है, चित्तौड़ विक्ट्री के बाद, हाँ, उसमें सब कुछ, उसका कैंपस वगैरह सब कुछ आ जाता है। अगला है केलाडियो घाना, केलाडियो, ये केला देवी का एक मंदिर भी है, केलाडियो घाना राजस्थान, केलाडियो घाना राजस्थान। नेक्स्ट का नाम है जंतर मंतर, ये जयपुर वाला है, ना ही कि दिल्ली वाला। दिल्ली में सिर्फ धरने होते हैं, ठीक है ना, जंतर मंतर। अगला लिखिए हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के पहाड़ी किले।
अब ये किसी एक सिटी में नहीं है, जयपुर में भी है, आमेर फोर्ट में है, जैसलमेर का भी किला आ जाता है, सवाई माधोपुर का किला आ जाता है, सबको एक कैटेगरी दे दी है। क्या नाम है? हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हाँ 35, ये लिखना जरूरी है। ये आते हैं भाई, नहीं नहीं बनवाने का क्वेश्चन हिस्ट्री पे आता है, बनवाने का क्वेश्चन हिस्ट्री पे आता है। जब हिस्ट्री पढ़ना तो ये सब चीजें पता होंगी, अगर ज्योग्राफी की तो आप सर से पूछ सकते हो किसने बनवाया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और कौन से स्टेट में आता है, नेक्स्ट है सांची स्तूपा एमपी। अब चुप हो जाओ। भीमबेटका एमपी, भीमबेटका एमपी। खजुराहो एमपी, खजुराहो टेंपल एमपी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 4 अजंता की गुफाएं। एलोरा केव्स, एलोरा की केव, ये भी महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स, ये भी महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं। सोलवे का नाम है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। 15वें में लिखा हुआ है एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा। 17वां लिखिए सुंदरबन, सुंदरबन बंगाल। 18 लिखिए मानस असम, मानस नेशनल पार्क है ये, नहीं वो काजीरंगा है। 18 नेशनल पार्क। 18 एनपी का मतलब है नेशनल पार्क। 19 है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। 21वां लिखिए नंदा देवी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। मानस नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। 8 हिमालय आप पढ़ चुके हैं, हिमालय में वृहद हिमालय, हिमाचल प्रदेश, ये माउंटेन ही है हिमाचल प्रदेश में, वही है विश्व धरोहर। 21 अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, सुंदरबन नेशनल पार्क बंगाल, मानस नेशनल पार्क असम, काजीरंगा नेशनल पार्क एमपी का मतलब है नेशनल पार्क असम। यहां पे आ जाओ कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। नेक्स्ट इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी, ये दोनों एक ही में आती है, ठीक है।
नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर. अगला है ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय कहते हैं इसे हिंदी में, हिमाचल प्रदेश, वृहद हिमालय. इसके बाद सूर्य मंदिर, सन टेम्पल उड़ीसा, हम्पी, पट्टाडकल, चोल मंदिर, महाबलीपुरम. अब 28वां देखो, यहां पे बातें बहुत करते हो यार तुम लोग. चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा. हाँ, ये सूर्य मंदिर. चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, चंपानर पवागढ़ गुजरात, रानी की वाव गुजरात. रानी की वाव गुजरात 25 में पट्टा डकल. अगला लिखिए वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका. केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका. हाँ, स्टेट रानी की वाव वीएवी गुजरात. ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट. हाँ, ये तीनों में है. और वो चोल टेंपल, चोल मंदिर. 25 का नाम है पट्टा डकल. ये तीन जगह इसलिए क्योंकि माउंटेन है ना, ये एक स्टेट में नहीं है, तीनों में है. पश्चिमी घाट, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट मतलब होता है क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं. कॉन्वेंट्स लिख लो आप पहले. अभी महाबलीपुरम तमिलनाडु. नेक्स्ट लिखिए नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार. महाबोधि मंदिर. महाबोधि मंदिर बिहार. और 35वां है कैपिटॉल बिल्डिंग, कैपिटॉल इमारत, चंडीगढ़. हाँ, 35 हो गए.